ये जो ना आपका टेस्ट को बढ़ाता है मीट का, मैंने ये लोकल आपका मसाला है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अंकल हम। ये मेरा है। तो हेलो गाइस, फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग पे। मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से सुनपुरा के लिए, और किस कारण से निकल रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग पे। और मैं आप पहुँचा हूँ मार्केट पे और कुछ कुछ सामान यहाँ से लूँगा और मैं निकलूँगा जेको सुनपुरा के लिए। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे, लेट्स गो टू द सुनपुरा। भाई का दुकान में आ चुका हूँ मैं और मैं ले रहा हूँ मुर्गा। यहाँ में बोलिए अच्छा चिकन देते हैं। और ये आपका जो डेली बाजार नहीं है वो जो लाइन में जो आप आते हो गांधी चौक से ऊपर, तो यहाँ में आपको मुर्गी अवेलेबल और मछली वछली सूखा वाला सब मिल जाएगा। तो आइए दुकान पे और लीजिए सामान लेके जाइए। आमला कभी नहीं देता है। तो आखिरकार पहुँच रहा हूँ मैं जेको बस्ती। पहले भी इसका छोटा सा ब्लॉग्स दिखाया था, मैं बनाया था, आज फिर से मैं बना रहा हूँ। यही रहा मौसी का घर, तो मैं एंटर करूँगा मौसी के घर के अंदर। मदर्स डे, फादर्स डे, ये कोई डे वही इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है। जब भी आपको लगता है पेरेंट्स लोगों का समय बिताना है, जाइए और समय बिताइए। समय और वक्त बहुत ही कीमती है, आज है कल नहीं भी हो सकता, इसलिए समय को पेरेंट्स के साथ समय बिताए सबसे प्रेशियस डे है। तो वैसी प्रकार शाम भी तेजी से आया है, माँ भी आया हुआ है, उसका बहन भी है, तो इसलिए ये मोमेंट को हम इंजॉय करने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए पेरेंट्स लोगों के साथ आया हूँ। तो थोड़ा सा एकदम स्पेशल मोमेंट बिताऊँगा और दिखाऊँगा कैसे हम बिताते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मौसी के घर पे। ये माल रोटी और साथ में कुछ कुछ मैगी नीमी की चटनी, और ये रहा मेरा माँ उनका बहन। तो हम लोग खा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग लंच तो शुरू नहीं किया, लेकिन इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो आखिरकार इस मुर्गा को मैं हलाल करने वाला हूं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा किसा हलाल करूंगा। तो ये हम लोग का आज लंच होने वाला है, तो इसका आज आखिरी दिन है। तो हलाल करने मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करेगा, तो ये करना ही पड़ेगा सब्जी के लिए। इसी के लिए हम लोग इतना दूर में आया है माँ लोगों को खिलाने के लिए, तो करता है। चलो उसको दिखाता नहीं हूँ मैं। तो मुर्गी का पंख को जलाया जा रहा है गैस में, सिलेंडर बोलने वाला था गैस में। देखिए आग जलाने के लिए सुस्ती लग रही है, इसलिए गैस में डायरेक्ट नून को जितना ये बाल है उससे जलाया जा रहा है। और ये ही मौसी के घर में बैठी है। नाम बताना अपना नाम। रत्ना गुरु नहीं, रत्ना मन्नु। और चौखाम में उसका घर है, और मौसी के साथ हो रही थी क्लास टू में ना। सब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। गुड। तो उसका स्कूल छुट्टी होके वो अभी आया है, हमें मिल के पका रहा है मुर्गी को। तो मैं यहाँ बॉइलिंग स्टार से बनाने जा रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। कटिंग तो हो गया चिकन का, काफ़ी दिनों के बाद मैं कुकिंग अपना चैनल में दिखा रहा हूँ अपने स्किल को, बहुत भूल भी गया है, लेकिन होप करता हूँ टेस्टी बनेगा। तो पानी डाल दिया और मीट को भी काट के डाल चुका है। अभी पीसने वाला हूँ गोल मिर्च। ये बॉइलिंग बना रहा हूँ, एकदम बॉइलिंग बिना तेल का। तो ये सब बॉम्बे शूट बास्टेंगा, ये सब मिर्चा उर्चा सब पीस के डालने से टेस्ट अलग होता है, ठीक है ना? उस से टेस्ट भी बनता है ना। बॉइलिंग पसंद है, फ्राई वाला पसंद है? पूरा बॉइलिंग। क्या क्या नाम था? मीनू क्या नाम था? रत्ना। और रत्ना को भी बॉइलिंग ही पसंद है, फ्राई इतना पसंद नहीं है बड़ा।
मतलब बॉइलिंग ही बना के लहसुन और ये गोलमिर्च को पीस दिया है, अभी यहाँ ढाल देगा। ये जो ना आपका टेस्ट को बढ़ाता है मीट का, मैंने ये लोकल आपका मसाला है जो आप खुद घर में बना सकते हो। बॉइलिंग में स्पेशली ये चीज़ टेस्ट को बनाता है, सुगंध भी देता है। बाकी तो ये मसाला जो है आपका धनिया वनिया सब ढाल चुका है, ये भी ढालना था। उसका लास्ट में बस ये बम्बू टेंगा बोलते हैं, बम्बू शूट बोलता है कोई तो शुरू में ढालता, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से लास्ट में ही ढालना चाहता हूँ। इसको पकने देना है बहुत देर तक, तो इसको पूरा ऐसा मिक्सअप करके बस बोल होते रहने दीजिए बहुत देर तक। बढ़िया से टेस्ट भी आएगा और सुगंध भी बढ़िया रहेगा। हाई सेकेंडरी स्कूल देखो तो, और मैंने अभी छुट्टी होकर आया है, पानी चीजें अभी फिर जाएगा और वो भी मेरा यूट्यूब चैनल में आया है और बहुत खुश है ना। तो मैं बच्चों लोगों को अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख के दे रहा हूँ ताकि वो घर में जाके वो लोग सब्सक्राइब करें। मैं अपने नामों को, क्योंकि उन लोगों के साथ मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि वो घर में जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अंकल हम ये मेरा सबको मिलेगा, ये मेरा पहले ये इसको दे दीजिए। अरे रुको जरा, सबर करो। ये रहा जेको का छोटा सा एक गांव और काफी सारे घर है और गली गली है, छोटी मोटी गलियां हैं यहाँ से। यहाँ से गुजर के मुझे जाना पड़ रहा है मौसी के घर की ओर। बहुत ओल्डेस्ट, बहुत पुराना गांव है ये जेको जो, और मैंने ले लिया यहाँ में ये कोल्ड ड्रिंक्स और मिमी। और ये गली रहेगा जहाँ से मुझे मौसी के घर जाना है, तो जाने का रास्ता यही है जेको बस्ती, सुनपुर लोहित डिस्ट्रिक्ट। काफी घर है, अंदर अंदर भी है, गली गली है और काफी सुकून भरा और शांति गांव है। बृहस्पति मैं हिम का मैं गोटा मुर्गी का हड्डी जोर को पियो ना, जोर को पियो दादी, जोर पियो ना। मुलो जोरा ने ममता की मृत्यु है, खाना पीना खाने के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका हालत बहुत खतरनाक टाइट है, बहुत 4 विकेट गिर चुका है, मस्त चल रहा है उनका टाइम। दादी मौसी हम सब और भाई का बेटा, भैया का बेटा क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो देखिए ये जो खिलौना बाटी कहते हैं इसको, बचपन में हम खेला करता था। अभी एक ऐसा खेल जो मैंने एक्चुअली शहर में गुम ही हो चुका है, बचपन में ये खेलता था तो अभी भी गांव में ये खेला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, खिलौना बाटी ना, नकली नकली खाना वाना बना के खाता है इसमें ना। किसका घर है ये, मेरा। तो ये ना, तो दोस्त का दिखाओ तो जानकी का, ये उसका घर है, और ये यंकी का घर, दो घर है पड़ोसी। यहाँ में आना जाना होते रहता होगा एक घर से दूसरा घर ना, ये गांव में अभी भी ऐसा चलता है। ये खेल तो मेरा बचपन याद दिलाता है, बचपन। ये पट्टू सब्जी है, कल बनाया हम, कल बनाया ना। और क्या क्या बनाया, और ये अंडा, वो पत्थर का अंडा देख, आप देख सकते हो बॉलिंग ना। उसके बाद ये खाना, ये खाना बॉलिंग, ये सब हम लोग खाता था।
मतलब खिलौना बटी खेलते थे, तो खा गया हम फिर में फिर दो बार खाते इस तरफ होते हैं देखिए। गांव के बच्चे अभी भी ऐसे स्कीपिंग, खिलौना बाटी, लुका चोरी, खेदा खेदी अभी भी खेलते हैं जो हम बच्चे में खेलते थे। मोबाइल वो सब इतना मालूम नहीं है गांव में, तो ये सब अपना बचपन 80s का जमाना में हमें ले मुझे लेके चला गया थी, मेरी यादें ताज़ा कर दी। दिन बिताया अपना माँ मौसी लोगों के साथ में, और बहुत ही खास दिन होता है ऐसे ही दिन, तो आप भी ऐसा फैमिली के साथ समय बिताइए, अपना काम वाम छोड़ के कभी दिन ऐसा अलग से काम निकालिए, ऐसे समय निकालिए और बहुत ही खास दिन बनाइए। तो ये था छोटा सा ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।